हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत बढ़िया होंगे इस पूरी आशा के साथ। चलिए आज हम स्टेटिस्टिक्स में हमारा भाग दो पार्ट टू चालू कर रहे हैं दोस्तों। पार्ट टू जो पार्ट है बड़ा, उसके अंदर आपको याद है हमारे पांच भाग हैं, पांच पार्ट हैं, एक दो तीन और चार, और ये छिल्ला पांच। दोस्तों ये पार्ट जो है संभावना है, जो कि 12 नंबर का पार्ट है, दूसरा 10 नंबर, तीसरा भी 10 नंबर का, चौथा भी 10 नंबर का, और पांचवा भी 10 नंबर का। इस तरह से भाग दो जो है बेटा आपका 52 नंबर का बन जाता है। आप लोगों को सभी को मन में ये प्रश्न होगा ही होगा कि सर भाग दो में अब आप कौन सा पार्ट चालू करेंगे। और दोस्तों आपको मालूम है मेरी स्टाइल सब दुनिया से अलग है। मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लक्ष्य, यह चालू करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको होगा सर पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों तीनों पार्ट संभावना से जुड़े हुए हैं, और संभावना के पार्ट थोड़ा सा अगर हम क्लास में भविष्य में सीखेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं आपको लक्ष्य नाम का जो पार्ट है वो चालू करने जा रहा हूँ। लक्ष्य पार्ट जो है बेटा आप जानते हैं 10 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल, और एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। दोस्तों ये 4 नंबर का जो सवाल है, इसके अंदर भी हमको अथवा करके एक 4 नंबर का सवाल मिलेगा, मतलब 4 नंबर के 2 सवाल होंगे और 2 में से हमें एक करना होगा। दोस्तों यानी ऑप्शन वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जब लक्ष्य चालू करेंगे, लक्ष्य जिसके अंदर बार बार एक वस्तु आएगी, लिमिट लिमिट लिमिट, ये दोस्तों लिमिट वाला जो पार्ट है बड़ा, इसके अंदर हमको कक्षा 10 के गुणनखंड की पांचों रीतियां सीखनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों गुणनखंड की वो पांचों रीतियां प्लस साथ ही साथ में थोड़ा सा और होगा। तो हम लोग दोस्तों ये जब पाठ चालू कर रहे हैं, उससे पहले आपको गुणनखंड के आपको मैं चैप्टर्स भेजूंगा, कक्षा 10वीं के वीडियो होंगे, वो आपको बिना बोले दोस्तों अगले कम से कम 7 दिनों तक वह वीडियो देखने होंगे। आप जब वह 7 दिन तक वीडियो 10वीं के एक एक करके जब मैं भेजूंगा, ये आप देखते रहेंगे, और होमवर्क आप जो प्रिया मैडम को सेंड करते हैं उन्हें ही करना है। उसमें मान लीजिए बोला जाए श्वेता मैडम या कोई भी मैडम का नाम लिखे, तो अभी आपको नहीं भेजना है, आपको प्रिया मैडम के नंबर पर ही भेजना है। आपके पास प्रिया मैडम का नंबर होगा ही, और ना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों होमवर्क आप जब भी भेजेंगे गुणनखंड की रीतियों के सभी प्रिया मैडम को भेजने होंगे। फिर भी मैं आपको आज के दिन पहला दिन है इसलिए थोड़े से गुणनखंड के नियम याद दिलाता हूँ। आप सभी को शायद याद होगा एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। यस दोस्तों ये गुणनखंड है, किसी को याद हमारी क्लास में बैठे हुए? यस, कोई 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 नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए नियम था हमारा दो वर्गों के बीच में ऋण हो तो एक बार आ एक बार जा, यानी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, मतलब ये नियम जब दो पद हों और दो वर्गों के बीच में ऋण हो तो ये नियम लगाया जाता है। जैसे एक्स वर्ग किसका वर्ग है? एक्स का। वाई वर्ग किसका वर्ग है? वाई का। तो दोस्तों दो वर्गों के बीच में ऋण है, एक बार आ एक बार जा, यानी एक्स वर्ग एक्स का वर्ग माइनस वाई का वाई वर्ग वाई का वर्ग, एक बार माइनस एक बार प्लस, चाहो पहले प्लस लिखो चाहो पहले माइनस। इसके जो नियम है बेटा आपको देखने मिलेंगे शांति से, इसके सवाल आपको जो वीडियो कल से भेजूंगा, कल से नहीं आज ही से मैं ये पहला वीडियो तो इसके साथ भेज दूंगा, आप ये वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद एक सूत्र आता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यस, आपको याद होगा होल स्क्वायर का नियम, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का प्लस 2 लिखकर पहली संख्या दूसरी संख्या, सेम टू सेम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 लिखकर पहली संख्या दूसरी संख्या, या प्लस हो तो बीच में प्लस आएगा, या माइनस हो तो ये माइनस आएगा। दोस्तों ये 2 सूत्र हैं। फिर आपको तीसरा जो सूत्र आता है वो कॉमन वाला आता है, वो कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद में चौथा जो बेटा, चौथी और पांचवी जो रीति है वो दोस्तों पहाड़े वाली रीति है। आपको
आज मैं ये वाले वीडियो के साथ ये पहले सूत्र का वीडियो भेजूंगा, उसका वीडियो आपको मैडम को सेंड करना होगा, उसके बाद में इसका वीडियो एक दिन भेजूंगा, एक एक दिन करके वीडियो आते रहेंगे। कई दिन दो वीडियो भी साथ में भेज सकता हूँ जब छोटे छोटे वीडियो होंगे। आपको दोनों वीडियो देखकर सब वीडियो समझ समझ के मैडम को भेजने हैं। जो आपको मैं 10वीं के आज वीडियो भेजूंगा दोस्तों, वो सब पुराने वीडियो होंगे लॉकडाउन वाले समय के। तो आपको सब टेंशन नहीं करनी है, आपको केवल वीडियो देखने हैं और होमवर्क सेंड करना है। बिना 10वीं के गुणनखंड दोस्तों ये चैप्टर कभी नहीं आएगा, इसलिए पहले आपको इसके गुणनखंड सीखने होंगे अच्छी तरह से, फिर हम दोस्तों आगे चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मज़ा कीजिए, बहुत जल्द से कीजिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।